नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। शराब के बाद अब बिहार में पान मसाला और गुटखा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और सरकार के इस फैसले पर अब राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। आर के सिन्हा बीजेपी के सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई है, दिखाई है। उन्होंने इस फैसले के लिए सीएम नीतीश कुमार की सराहना की है और इस फैसले पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, यानी कि मिली जुली राय सामने आ रही है सरकार के इस फैसले पर। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आनंद माधव, उन्होंने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। आनंद माधव ने कहा है कि पूरे देश में AK-47 जैसा हथियार प्रतिबंधित है और बिहार में तो धड़ल्ले से मिल रहा है, तो जो चीज बिहार में प्रतिबंधित है पूरे देश में प्रतिबंधित है, वो आसानी से बिहार में मिल रही है, तो फिर क्या गारंटी है कि पान मसाला पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो सफल हो सकेगा। शराबबंदी तो सफल नहीं हो सकी, शराबबंदी एक तरह से करके सरकार ने एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के सवाल उठाए हैं आनंद माधव ने। सुनिए क्या कह रहे हैं आनंद माधव, रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। AK-47 जैसे प्रतिबंधित हथियार जो पूरे भारतवर्ष में उस हथियार पे प्रतिबंध लगा हुआ है, बिहार में धड़ल्ले से मिल रहा है, तो जो प्रतिबंध है वहां तो खुलेआम मिल रहा है। आप जैसे पान गुटखा मसाले पे भी प्रतिबंध लगाने का काम कर रहे हैं और वो भी 1 साल के लिए। अरे लगाना था तो आप जैसे बहुत लंबे टाइम के लिए, 5 साल 10 साल आजीवन के लिए लगाते। आपने शराबबंदी भी किया था, शराबबंदी कितना सफल रहा है। आज शराबबंदी करके आपने पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा कर दिया है। आज बिहार में क्या शराब नहीं मिल रहा है सबको पता है, और अगर सरकार को नहीं पता है तो सरकार एक सर्वे करवा ले कि किस तरह अधिकारियों की मिली भगत से जो है शराबबंदी का गोरख धंधा जैसे बिहार में चल रहा है। तो पान मसाला पे आपने प्रतिबंध लगा दिया, वहाँ भी पैरेलल इंडस्ट्री आप खड़ा कर देंगे। आपकी जो है सेवा की भावना आप में नहीं है, आप जनता को ध्यान में रख के नहीं कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और मुझे लगता है बिहार की जनता इस चीज को समझती है। तो एक तरफ जहाँ आरके सिन्हा जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सरकार की तारीफ की है, सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है इस फैसले के लिए, तो दूसरी तरफ रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद माधव सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और कई सवाल उठाए हैं उन्होंने। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।